अर्ज करना चाह रहे हजरत आन मेरे वल इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले हो ना जानता मैं वेख्या जड़ी कौम ए पाकिस्तान च चिक्कड़ चौधरी बड़े ने ए बैठे ने दो तीन बंदे साफ होने ने बाकी बैठे सुने गुस्सा न करो बच्चे चुप करो गुफ्तगू अर्ज करना चाह रहा जी बार बार मैं डिस्टर्ब कर दे जे गुफ्तगू सुनो मैं कितनिया कीमती गल्लां ए जिन्ने बैठे सुने जे वीर आंदे ने तियां आलियां दे सिर नीवे आंदे ने तियां आलियां दे सिर नीवे हाँ मैं तेनू दसा सिर तेरे नीवे के तियां आलियां दे नीवे जेड़ा नबी काफर दी ती दा सर कजे अज मुसलमान काफर दियां तियां ते दूर दी गल अपनियां दे लंघ लाउण लग पिया अपनियां दियां इस्तां लुटा सुनिया जे वीरा सुन लो ध्यान नाल तेरे कमरे च सोफा सैट तेरी बेगम दा सुनो ध्यान नाल तरपाई सैट तेरी बेगम दा बैड तेरी बेगम दा हवेली बैड तेरी बेगम दा सेफ अलमारी दी बेगम दी तरपाई सैट बेगम दा टी सैट बेगम दा वाटर सैट बेगम दा फिरनी सैट बेगम दा वीरा सूप सैट बेगम दा चीनी दे बर्तन बेगम दे स्टील दे बर्तन बेगम दे वाटर सैट बेगम दा कवड़िया दा कंबल बेगम दा मल्टीफॉर्म दा गद्दा बेगम दा वीरा रजाइयां तलाइयां बेगम दियां बेडशीटां बेगम दियां रुमाल बेगम दे हाट पाट बेगम दा बिल्ली कच बेगम दी परातां भी बेगम दियां वीरा जनाबे आला छाने भी बेगम दे भांडे भी बेगम दे पखा भी बेगम दाओ एसी भी बेगम दाओ चौलां दी माल भी बेगम दाओ रजाइयां तलाइयां भी बेगम दियां रंगीन मंजियां भी बेगम दियां वीरा तेना दी पूरी चोटी भी बेगम दी ओ एनियां चीजां लिया के अपने कमरे च रखे ते आना मैं चौधरी है सब कुछ बेगम दा कट्टा चौधरी है तू तू थिंदा शर्मिंदा है इंटरनेशनल बकारी है 50 लाख दा मकान बना के ते किसे दी बेटी ते बोझ बनाता ही अज इस जहेज ने कई बाप शुगर दे मरीज कर दिते इस जहेज दी लानत ने कितनियां बेटियां जनाह ते मजबूर कर दितियां अज कितनियां बेटियां जनाह ते मजबूर हो रही हैं मैनू एक बेटी दा फोन आया व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज मदनी साहब मुझे पता है आप लड़कियों से बात नहीं करते मैं क्या बेटी मैं नहीं करदा ना मेरी मर्जी कहंदी मैं मजबूर हां मेरा बाप दुनिया ते नहीं मेरे भाई अपने अपने घर वाले मेरी शादी नहीं कर दे मैं गुनाह ते मजबूर हो चुकी है बतला नौजवानू अज उम्मतियां बेटियां दियां इस्तां दा तू दुश्मन बन चुकिया है कितनियां बेटियां अपने जहेज वास्ते हमसाए दे बेटे दी कोल अपनी इज्जत दागदार करा लैंदियां कोई काम करन ते मजबूर हो गई कितनियां बेटियां बर्तन मांज के अपने जहेज बना रही कितनिया मावां बर्तन साफ करके अपनिया बेटिया दे जहेज बना रही और नाम दिया चौधरिया कहना मैं बड़ा वड्डा चौधरी है तेरे घर च चमची तक तेरी बहू दी है तू फिर भी चौधरी है वो सब कुछ दे के भी सिर नीवे रखन तू आना बेटिया लिया दे सिर नीवे ओ लोगो ना तोहीन कर अगर बेटिया लिया दे सिर नीवे होंदे अगर बेटी नू जहेज देना बेटी दे जुमे होंदा हो मेरे नबी को लेक आई ना कहंदी सोनिया मैं तन्ना शादी करनी है आप फरमांदे ने बीवी मैनू हाजत नहीं एक सियापी कोल बैठा सोनिया मेरे ना कर दो आप फरमांदे ने वीरो नबी पाक पुछ सकदे लकद कान लकम फिर रसूलुल्लाह उस्वातुन हसना मेरा नबी मॉडल नमूना है अमीन साहब मेरे नबी कह सकदे सी बेटी तेरे कोल जहेज है तेरे कोल सूत्र है तेरे कोल रजाइयां है तेरे को शनील जानियां है तेरे को कोरिया दा कंबल है तेरे को बेड शीट हैगी है तेरे को रंगीन मंजियां हैगियां ने तेरे को गलास नबी पाक पूछ सकदे सी हजूर ने लड़की नु एक सवाल नहीं कीता लड़के नु पुछया तेरे को कुछ सोने दी है चीज कहंदा सोनिया नहीं मेरे नबी आंदे कोई चांदी दी कहंदे सोनिया नहीं मेरे नबी आंदे कोई पित्तल दी सोनिया नहीं आप फरमांदे ने ओए कोई लोहे दा छल्ला सोनिया नहीं मेरे नबी फरमांदे ने कोई कुरान दियां जबानी सूरतां याद कहंदा सोनिया कुरान ही है और है की कजा व कजा कजा व कजा कजा व कजा कजा व कजा सोनिया बलावी याद बलावी याद बलावी याद मेरे नबी फरमांदे ने जिन्नियां तेनू जबानी सूरतां कुरान दियां याद मैं हक महर बन दिता ई अपनी बीवी नू जबानी याद करा दी जा मैं तेरा निकाह पढ़ दिता है
हाज कितने लड़के आंदी हो जातो। मैनू एक बंदा आया कहंदा मदनी साहब मैं साल होया अपनी ती दी शादी मैं सासे गुरबत ट्रस्ट बनाया है, ओल्ड एज होम बनाया है, जिदे च गरीब बाबे माइया बुढ़े बाबे जड़े मस्जिद दे इमाम फौत हो जाण मसीतां वाले बच्चियां नूं कढ देंदे ने मस्जिद चों। मैं उन्हां नूं कहा तुसीं आण के मेरे को रवो सब कुछ मिलेगा, अल्लाह तुहाडा खर्चे पूरे करेगा। मैं भी जो इंज दा काम कर रहा वे सुनो मेरे कोल बंदा आया अदा मदनी साहब मेरी बेटी साल होया व्याई है, उहदा बंदा आंदा है आपके पापा ने एसी क्यों नहीं दिया, कहंदा जे मेरे व्याह दे कर्जे नहीं उतरे। मैं अपनी बेटी नूं कहा बेटी रो ना मैं किस्तां ते एसी लै देना अपना पेट कट के किस्त दे लूं पर तेरा रोना मेथों वेख्या नहीं जांदा। आज कितने मुसलमान जिन्होंने बेटियां नूं सना ते मजबूर कर दिता, कितनियां बेटियां घरां च बैठियां ने सिर चिट्टे हो गए। ओ मेरे बच्चो हाथ जोड़ के अपील करना है 50 लाख मकान ते लाना, 2 लाख दा जहेज भी लिया के रख, जदों बरात फोटा पास दे मैरिज हाल च जाए उदों अपने सस ते सुसर नूं सलूट मार के चाचा जी ये मेरे ससुर साहब ए मेरे ताया ससुर साहब, मैं सलूट मारना 5000 रक्षे वाला लैंदा कॉलेज छड्डन जान आउंदा पर 5-60 हज़ार साल दा बनदा है, 20 नूं सिर्फ दईए 12 लाख रुपया बनदा है, 12 लाख ते तेरी बीवी नूं पढ़ाउण दे सिर्फ कॉलेज दे रक्षे नूं दित्ता, फिर उस तों बाद फीस दित्ती, फिर उस तों बाद कपड़े दित्ते, फिर उस तों बाद किताबां दित्तियां, फिर उस तों बाद उहनूं छड्डन गया। मैं कईआं बंदे अपने यराने छड़ दिते, अल्लाह दी कसमे कॉलेज च धी पेपर दे रही हुंदी ते बाप गर्मी च बाहर खड़ा हुंदा है, मैं अपनी बेटी नूं लैके बेटियां पाल लिया कोई सौखा काम नहीं। 50 लाख रुपया ला के जिन्हें बेटी पाली पढ़ाई एमए कराया फिर भी कहना बेटियां लिया दे सिर नीवे तेनू शर्म आनी चाहिदी है, मुस्तफा ने 1% भी बेटी ते खर्च नहीं पाया, अज तू बेटियां लिया दे बाप। मैं वेख्या मां बाप औलाद दियां खुशियां वेखण तो बिना कबरां च जा रहा है, शुगर दे मरीज हो गए, ब्लड प्रैशर दे मरीज हो गए। अल्लाह की कसम उठाना है मेरे वीरो जड़े भरा जिंदगी च नहीं पुछते मां बाप मरन तो बाद कौन पुछदा, हाबियां कदी नी मावां बनियां। अज कितने नौजवान जरा कैमरे वाला खलो कैमरे ते कितने बच्चे ऐलान करदे ने, कितने बच्चे अर्ज करना चाह रहे हैं, ये भी सुना देना कितने बच्चे अज नौजवान खड़ा होकर ऐलान करे कि मैं जहेज नहीं लवांगा मैं ससुर नूं सलूट मारांगा, तू बेटी पढ़ा के मैनू दित्ती है ये बड़ा वड्डा एहसान। कितने नौजवान खड़े होके अपनियां कलमे वालियां जी इज्जत बचा सकते। लो जी इधर कैमरा मार ओ दो ओ सामने इधर दो और खड़ा हो कोई नौजवान जड़ा कवे कि मैं जहेज नहीं लवा, तीन याती मानो मेरे बच्चो आज बेटियों दे सार सफेद हो गए, इस लानत ने मुसलमान दिया बेटियां दिया इस तरह भर कर दी, और खड़ा हो कोई नौजवान और खड़ा हो कोई बाप खड़ा हुए कि मैं अपने बेटे का जहेज नहीं लूंगा। लो जी माशाल्लाह और खड़ा हो इधर भी इधर मार कैमरा भी इधर मेरे भाई हाथ खड़े करो, आज तेरिया कलमे वालिया बेटियां मजबूर घर च बैठिया ने, अगर जे जहेज देना सुन्नत मुस्तफा दी मेरा नबी ओहद पहाड़ सोने दा रब कोलो बनवा के अली नू हिबा कर देता हो बेटी नू हिबा कर देता हो। आज कितने नौजवान ने लोगो इस लान तो बचो बचो लोगो, मस्जिद जान के निका पढ़ाया कर, हिंदू मंदिर च निका पढ़ाता है, ईसाई गिरजे च निका पढ़ाता है, सिख गुरुद्वारे च जड़ी सिफत होवे करिया कर, सिख गुरुद्वारे च निका पढ़ाता है, यहूदी कलीसे च पढ़ाता है, अज मुसलमान मौलवी मेरे जाल च चले गया तुसा मस्तां बेआबाद कर दितियां। ओए
मेरे बच्चो मेरे बुजुर्गो मस्जिद च निका पढ़ाया कर अपने बेटे दा अपने बेटे दा निका मस्जिद च ले आ भाई अमीन ओड नु पुछ बार दे मुल्कां च गैर मुल्कां च ईसाई गिरजे च निका करदा है पाकिस्तान च ईसाई गिरजे च निका करदा है ओ तू गैर मुसलमान नु बुरा कहना है अज जरा अपने गिरे पहां च जा तू मस्तां वीरान कर दितियां मैरिज हाल आबाद कर दिते हजार बंदे दा वग लैके तू जंज लै जाना मैनू दस केड़ी हदीस च लिखे आ बेटी आले घर च 500 बंदा ले जाना जिन्ने दियां बसां दा किराया भर लै तू वलीमे कर सकदा है तू अगले दी बेटी ते बोझ बन गया हो कई ससां दियां तुसां छोटा गोश्त नहीं दिता हो कई 70 साल दियां ससां दियां ने तुसीं मोटरसाइकिल नहीं दिती नहीं पैणे पच पच इमाम गजाली ने नसीहतुल मलूक किताब च लिखे आए जिहड़ी औरत अपनी औरत जात दी सकी नहीं उहनूं सपनी दी किस्म कहिंदे ने 10 सिफतां लिखियां जानवरां वालियां सपनी अपनी जिनस नूं खांदी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਸਪਨੀ ਏ ਇੱਕ ਡੈਨ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਪਿਆਰੀ ਏ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੱਸਾਂ ਬਹੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਚੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਲੇ ਤੱਕ ਪੁੰਨ ਦਿਨ ਚੁੱਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ।